और अलीगढ़ से अब खबर, जहां महिला को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया है। जहां हिंदू महिला के साथ कोई विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की है और बेहद ही बेरहमी के साथ ये पूरी मारपीट की घटना सामने आई है अलीगढ़ से। जहां घटना की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया है, थाने का घेराव कर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके की मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अलीगढ़ से एक खबर है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर हिंदू महिला से मारपीट की गई और समुदाय विशेष के एक युवक ने मारपीट की है। तो ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हंगामा किया, थाने का घेराव किया, आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने और उसके बाद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके की मार्केट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अलीगढ़ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू महिला को अपना शिकार बनाया, छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की और बेहद ही बेरहमी से ये पूरी मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल लिया, थाने का घेराव किया और उसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया और इसी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अलीगढ़ से ये पूरा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घटना की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। और उसको मैंने देखा यहाँ पर, तो उसके चेहरे पर काफी लाल धब्बे लगे हुए थे और जूती वूती मारी, दूसरी की दुकान से उठा के पैसे और लौंग सब कुछ गिर गई है, जो मिलने की संभावना नहीं है। अब वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीजी के हद तक पहुँच गया, उसकी कंप्लीट काफ़ी आ चुकी हैं। बस क्या बताया आपकी पत्नी ने आपको? मुझे यही बताया कि मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही वारदात करके, मैंने मोबाइल मांगा था उससे खाली फ़ोटो देखने के लिए, तो उसने मोबाइल दे तो दिया, लेकिन आगे जाके वो डर रहा था कि कहीं मेरी कोई पोल ना खुल जाए, इसलिए उसने मोबाइल लेने के बजाय उसके जूती उती मार के मोबाइल लेके सीधा दहली गेट पर पहुंचा। तो आपकी पत्नी के फ़ोटो खींचे थे उसने? हाँ, पहले से ही पड़े हुए दोनों के, छोटी बड़ी जो बहू। तो आज आपने तहरीर दी है थाने में? हाँ। क्या मामला हुआ है आज कोतवाली में? अभी यहाँ थाना ऊपरकोट कोतवाली में घटना हुई है। यहाँ ऊपरकोट बाज़ार लगता है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अवैध रूप से बाज़ार भी लगता है। यहाँ पर एक हिंदू महिला जो कि जाटव समाज की हैं, वह जब बाज़ार करने आती तो अक्सर साजिद नाम का व्यक्ति जो जूते चप्पल की दुकान करता है, वो अक्सर उनसे छेड़खानी और बदतमीजी अश्लील हरकतें करता था। आज भी जब शाम के टाइम लगभग 4:30 बजे वह बाज़ार करने आई तो उस लड़के साजिद के द्वारा उस महिला का फ़ोटो खींच लिया गया। जब महिला ने विरोध किया तो उस महिला के साथ में छेड़छाड़ कर दी, मारपीट कर डाली, बदतमीजी की और उनके सोने की लौंग और रुपये वगैरह भी छीन लिए। अन्य भीड़ भाड़ इकट्ठी हुई तो वहाँ अन्य जो मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बचाने की जगह उल्टा उनको धमकाया, गाली गलौज की और कहा कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो करना है वो कर लीजिए। और चलिए अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या जानकारी? देखिए किस तरीके से पूरा सनसनीखेज मामला रहा, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, क्या कुछ कहना है फिलहाल इस पूरे मामले पर, किस तरीके से पुलिस क्या कुछ कह रही है? देखिए, ये पूरा जो ऊपरकोट क्षेत्र का एरिया है, उसमें पूरा जो फर्ड पट्टी है, साइड पे फुटपाथ है, उन पर सबका अवैध मार्केट लगता है और वो पुलिस के थाने के सामने ही लगता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं, आराम से लगता है। उसके वजह से वहां पर जितने भी दुकानदार हैं, पूरी भीड़ रहती है वहां पर, तो वहां पर एक दलित समाज की महिला वहां गई, उसने वो एक जूता कारोबारी है, उसने उससे छेड़छाड़ की और उसी पहले भी कई बार से छेड़छाड़ करता, लेकिन कल उसने उसकी फोटो खींची, उसने उस पर एतराज किया, तो एतराज उतर के उसने जूतों से उसको महिला को बुरी तरीके से पीटा, उसके कई जगह पे निशान थे मुंह पर और कई चीजों पर। जब वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई तब वहां पर पुलिस पहुंची और उसके बाद पुलिस ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की, उसे रफा दफा करने की कोशिश करी। उसी बीच ये जो संजू बजाज है, जो दलित उसके अध्यक्ष हैं बीजेपी के दलित प्रकोष्ठ के, जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने जब थाने का घेराव किया, तब जाकर के उस जो है दलित महिला की FIR लिखी गई तथा उसको आरोपी को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जो अवैध तरीके से वहां जो भी फड़ लगती हैं या जो भी कुछ लगती है, आप समझ सकती हैं, बगैर पैसा दिए कोई भी फड़ नहीं लग सकती।
तो इसलिए पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इसमें FIR दर्ज की और कार्रवाई की। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर ली और उसके बाद तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई हुई है। अब तो बड़ा संदेश जाएगा, बताया जा रहा था विशेष समुदाय का युवक है ये जो कि छेड़छाड़ करता था, क्या इससे पहले भी छेड़छाड़ को लेकर कभी तहरीर दी गई थी पीड़ित परिजनों की तरफ से? देखिए ये जो जैसे जब महिला अपने कहीं मार्केट जाते हैं तो अगर कोई कुछ युवक छींटा कछी करते हैं तो बहुत सी महिला चुपचाप चली जाती है। इससे पहले इसने कोई अब नहीं कहा, लेकिन कल जब हद पार हो गई और जब ये वहां आई, जब उसने पीटा तब वहां पर बाकी लोगों के जरिए जो वहां लोग मौजूद थे जब पता लगा, तब इसके परिवार को पता लगा इस चीज का कि अख्तर उससे छेड़ाखानी करता था। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।